बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीटीटी 2021 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लेकर के। प्रीवियस ईयर की बात करें तो 8 जनवरी 2020 को जो आपका पेपर कंडक्ट कराया गया था, तो यहाँ पर हम जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं पहले उनको सॉल्व करा रहे हैं, उसके बाद ही आपके जो अदर प्रैक्टिस सेट हैं उनको लेकर के आया जाएगा। तो यहाँ पर जिन भी स्टूडेंट का ऑप्शनल पेपर संस्कृत का है इंग्लिश की जगह, तो वो सभी स्टूडेंट यहाँ से जुड़ सकते हैं, क्योंकि डेली वीडियोस आपको संस्कृत सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के मिलेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो को शुरू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने लगभग 15 क्वेश्चन कम्प्लीट करा दिए थे। ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपको प्रीवियस वीडियो के पार्ट वन में ज़रूर देखने को मिलेंगे, तो इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर चेक करें। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप पैसेज वगैरह करेंगे, आंसर फाइंड करेंगे, तो उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर हम आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करेंगे, क्योंकि 15 तक की हमने बात कर ली थी। और यहाँ पे आज के इस वीडियो में 8 जनवरी 2020 का जो पेपर हुआ था वो कम्प्लीट हो जाएगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर जो अगला है 2019 या 18 का, तो उसको कंप्लीट कराया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है, मनोरथा में संधि है, मनोरथा में कौन सी संधि है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले हम मनोरथा का अगर संधि विच्छेद करें तो मनः धन रथा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा संधि विच्छेद किसका, मनोरथा का। तो मनोरथा का संधि विच्छेद हमने किया था मनः धन रथा। ठीक है, ये हो गया संधि विच्छेद। तो नियम क्या कहता है, यदि विसर्ग से पहले और बाद में ह्रस्व, ह्रस्व छोटा आ, ह्रस्व आप सभी जानते हैं छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ होता है। ठीक है, लेकिन छोटा आ आए तो विसर्ग में कह रहा है संधि विच्छेद से पहले और बाद, तो यहाँ पर ना के बाद छोटा आ जो है वह छुपा होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, इसमें भी और इसमें भी छोटा आ जो है था के बाद छुपा है विसर्ग से पहले और दोनों में, तो उसका ऊ हो जाएगा। तब आ और ऊ में गुण संधि होकर छोटा आ धन छोटा ऊ के स्थान पर ओ हो जाता है और बाद में आने वाली आ का पूर्वरूप हो जाता है। तो इस तरह से विसर्ग का नियम हमारा यही है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा विसर्ग संधि पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नियम इस तरह से आपको समझ में नहीं आने वाला। जितने भी संधि पर, जो भी आपकी संधि है ठीक है संस्कृत की, तो उन पर एक अलग से भी वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप संधि विच्छेद करके पहचान सकते हैं कि कौन सी संधि है। चूँकि मनोरथा में संधि पूछी तो इसमें आपकी विसर्ग संधि है, बाकी ये पर सवर्ण संधि, अनुनासिक संधि ये नहीं होगी। करेक्ट आंसर यहाँ पर 16 का 1 हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 17 पूछा है, नेत्राभ्याम अश्रुड़ पतंति में नेत्राभ्याम पद में विभक्ति है, तो नेत्राभ्याम में कौन सी विभक्ति है। ठीक है, वो आपको बतानी है, आपके ऑप्शन दिए हैं, तो इसके लिए हमको विभक्ति देखनी पड़ेगी किसकी, नेत्र की। तो देख लेते हैं नेत्र की विभक्तियाँ। तो चलिए, तो ये है नेत्र की विभक्ति, प्रथमा द्वितीय तृतीय, यहाँ पर विभक्तियाँ दी हैं एक वचन द्विवचन और बहुवचन में। तो देखते हैं प्रथमा में क्या है, प्रथमा में दिया है एक वचन में नेत्रम नेत्रे नेत्राणि। ठीक है, द्वितीय विभक्ति में नेत्रम नेत्रे नेत्राणि। तृतीय विभक्ति में क्या दिया है, तृतीय विभक्ति में दिया है नेत्रेड़ नेत्राभ्याम नेत्रे। चतुर्थी विभक्ति में नेत्राया नेत्राभ्याम नेत्रभ्या। पंचमी विभक्ति में नेत्रात या नेत्राद नेत्राभ्याम नेत्रभ्या। इसी तरह से आगे भी देख लेंगे, षष्ठी और सप्तमी के बाद संबोधन। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें नेत्राभ्याम की, तो नेत्राभ्याम देखिए तृतीय द्विवचन में आया है, चतुर्थी द्विवचन में आया है और पंचमी द्विवचन में आया है। तीनों में ही आपका जो है वह नेत्राभ्याम देखने को मिला है, बाकी कहीं भी आपको नेत्राभ्याम जो है वह देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था कि नेत्राभ्याम अश्रुड़ पतंति में नेत्राभ्याम पद में विभक्ति है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर हम बात करें विभक्ति की, तो हमने द्विवचन में, द्विवचन में कौन कौन सी, तृतीय में देखा था नेत्राभ्याम,
चतुर्थ में देखा था नेत्राभ्याम और पंचमी में देखा था नेत्राभ्याम, ठीक है, पंचमी विभक्ति में, तो इन सभी को हमने द्विवचन में देखा था। तो यहाँ पर नेत्राभ्याम अशुड़ी पतंत में नेत्राभ्याम पद में विभक्ति, तो यहाँ पर देखिए ना तो तृतीय विभक्ति दी है ना चतुर्थ विभक्ति, पंचमी दी है, उसके बाद षष्ठी, द्वितीय और सप्तमी, तो हमारा आंसर यहाँ पर पंचमी आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर तृतीय विभक्ति दी होती तो तृतीय आंसर लगाते, चूंकि ऑप्शन में हमारा पंचमी विभक्ति दिया है तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वह हो जाएगा पंचमी विभक्ति, ठीक है, करेक्ट आंसर 17 का 2 हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है, अशनि शब्द है, अशनि शब्द कैसा है वो आपको बताना है। तो 18 की बात करें, 18 का करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा पुल्लिंग, अशनि शब्द जो है वह पुल्लिंग शब्द है। अशनि शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, अग्नि, विद्युत, हीरा, इंद्र, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। अशनि संस्कृत भाषा का शब्द है, आप सभी को पता है, जिसको पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और पुल्लिंग ही माना जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर 18 का करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है, तया नपानुगम्यते में वाच्य है, तया नपानुगम्यते में कौन सा वाच्य है वो आपको बताना है। तो 19 की बात करें, 19 का करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा कर्म वाच्य। दोस्तों कर्म वाच्य क्या होता है, तो कर्म वाच्य वह होता है जिसमें कर्म की प्रधानता देखने को मिलती है, जिसमें जो वाक्य होते हैं वह सकर्म होते हैं, यानी कर्म के साथ निहित होते हैं, तो आपका कर्म वाच्य होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 20 पूछा है, यूप दारु पद में समास है, यूप दारु पद में कौन सा समास है वो आपको बताना है। तो 20 की बात करें, 20 का करेक्ट आंसर जो है वह 4 हो जाएगा, तत्पुरुषः समास। तो दोस्तों अगर हम तत्पुरुष समास की बात करें तो जिस समास में उत्तर पद या अंतिम पद प्रमुख रहता है या प्रधान रहता है तो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। पूछा है कि यूप दारु पद में कौन सा समास है, तो इसमें तत्पुरुष समास है। अगर हम यूप दारु शब्द की बात करें तो इस शब्द में जो दारु शब्द है वह हमारा प्रधान शब्द या प्रमुख शब्द कहलाता है, और दारु का अर्थ क्या होता है, लकड़ी या काष्ठ, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर 20 का करेक्ट आंसर 4 हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है, नदी शब्द रूप में प्रयुक्त वचन है, मतलब नदी शब्द में कौन से शब्द रूप में वचन है, क्या है वो आपको बताना है। आपके ऑप्शन दिए हैं, आपको आंसर बताना है। तो नदी के हम रूप देख लेंगे तो इसका आंसर आसानी से पहचान जाएंगे। तो ये रहे नदी के रूप, विभक्ति प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इसमें आपको नदी ही कहाँ देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें नदी शब्द की तो बहुवचन में दिख रहा है और विभक्ति हमारी द्वितीय है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको नदी के रूप याद रहेंगे, हमने आपको बताया था जिसके पार्ट 1 का वीडियो था उसमें बताया था, हरि हो गया, राम हो गया, नदी हो गया, अस्मद, युष्मद, तो कई सारे ऐसे जो शब्द रूप हैं, धातु रूप हैं, तो उनको आपको याद करके एग्जाम में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर नदी शब्द में पूछा था तो द्वितीय विभक्ति हो गई और वचन हमारा बहुवचन के अंतर्गत नदी आया। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जाते हैं और क्वेश्चन में जाने के बाद हम अपना आंसर देखेंगे। तो नदी शब्द रूप में प्रयुक्त वचन कौन सा है, तो हमारा कौन सा वचन था, हमारा वचन था बहुवचन, ठीक है। तो यहाँ पर हम आंसर बहुवचन कर देंगे, करेक्ट आंसर 21 का जो है वह 3 हो जाएगा, बहुवचन, क्योंकि विभक्ति अगर दी होती तो विभक्ति यहाँ पर हमारी द्वितीय हो जाती, क्योंकि यहाँ पर विभक्ति दी ही नहीं है, तो आंसर हमारा बहुवचन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है, अकारांत पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है, इसमें से कौन सा अकारांत पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है, यानी पुल्लिंग भी है और उसमें आ भी जुड़ा है। तो 22 की बात करें, करेक्ट आंसर यहाँ पर 2 हो जाएगा, रामा। तो मैंने आपको बताया था विभक्ति जो आपको याद करनी, राम हो गया, हरि हो गया, नेत्र हो गया, ठीक है, अस्मद, युष्मद और जो भी लकार है, ठीक है, लट, लोट, ये सभी लकार आपको याद करने हैं, तो इनको आप ज़रूर याद करके एग्ज़ाम में जाएं।
तो यहाँ पर अकारांत पुल्लिंग शब्द हमारा रामा हो जाएगा। यही अगर नपुंसक लिंग पूछ लेता कि नपुंसक लिंग पुल्लिंग शब्द है तो वह फलम हो जाता, क्योंकि फल जो है वह आपका नपुंसक लिंग शब्द का उदाहरण है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 23 पूछा है, प्रेजते में संधि है, प्रेजते में कौन सी संधि है आपको बतानी है। तो यहाँ पर 23 की बात करें, 23 का करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा 4, पर रूप जो है वह प्रेजते में संधि है। प्रेजते में संधि पर रूप है, पर रूप संधि में प्रथम ध्वनि जो है वह लुप्त हो जाती है और बाद वाली ध्वनि विद्यमान रहती है। पर रूप और पूरूप मूलतः संस्कृत में स्वर संधि के उपप्रकार हैं जिनसे निर्मित शब्द का प्रयोग संस्कृत में ही होता है। हिंदी में उक्त उपप्रकार वाले संधि से निर्मित शब्दों का प्रयोग नहीं के बराबर होता है। तो इस तरह से प्रेजते में जो संधि है वह है पर रूप, ठीक है। अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या पाएंगे, तो प्रा धन इजते, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, मिलकर क्या बनेगा प्रेजते, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हो गई प्रेजते के बारे में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 24 पूछा है, वा वर्ण का उच्चारण स्थान है, वा वर्ण को हम किस स्थान से उच्चारित करते हैं वो आपको बताना है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने कई सारी चीजें बताया था का चा टा ता पावर के बारे में और किसका उच्चारण कहाँ से होता है, तो उनको भी मैंने डिटेल में लेकर के बात की थी। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है क्योंकि उसमें पैसेज करने का तरीका भी मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो वह वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है तो आपको बताना है। 24 की बात करें तो 24 का करेक्ट आंसर जो है वह वन हो जाएगा दंतोष्ठ, यानी जिसमें जिन वर्णों को हम बोलने में दंत यानी दांत का और ओंठ का दोनों का ही प्रयोग करते हैं उसे हम दंतोष्ठ कहते हैं, ठीक है। तो वह वर्ण का उच्चारण स्थान जो है वह दांत और ओंठ दोनों ही हो जाएगा, यानी दंतोष्ठ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 25 पूछा है, घुटने के लिए उपयुक्त संस्कृत शब्द है, यानी घुटने को हम संस्कृत में क्या कहते हैं तो आपको बताना है। तो जितने भी चीज़ें हैं जैसे फल हो गया, सब्जियां हो गई, जंतुओं के नाम, पौधों के नाम, गिनतियां और जो शारीरिक चीज़ें हैं, तो इनसे भी एक दो क्वेश्चन जो है आपका पूछ लेता है कि संस्कृत में इनको क्या कहते हैं। तो घुटने के लिए संस्कृत में जो प्रयोग किया जाता है शब्द वह है जानु, ठीक है। घुटने के लिए उपयुक्त शब्द जानु है, जानु शब्द संस्कृत में पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त होता है। तो इस तरह से करेक्ट आंसर जो है 25 का 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 26 पूछा है कि संस्कृत के एकोन चत्वारिंशत को कहते हैं, चत्वारिंशत को क्या कहते हैं संस्कृत में, एकोन चत्वारिंशत को। तो यहाँ पर आपकी संख्याएं दे दी हैं, मैंने कहा था संख्या भी पूछता है, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है कि एकोन चत्वारिंशत को क्या कहेंगे। तो सबसे पहले चत्वारिंशत का मतलब क्या होता है, 40, ठीक है। एकोन मतलब एक कम या एक ना हो, 40 में एक ना हो तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 39। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 26 का 3 हो जाएगा, 40 में एक कम यानी 39, ठीक है, या 39, करेक्ट आंसर 3 हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 27 पूछा है, द्वि शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का रूप है। तो यहाँ पर आपको मैंने कहा था कि एक है, दुई है, त्री है, ठीक है, नदी है, राम, तो इनसे क्वेश्चन काफ़ी मिलेंगे आपको। तो आपको विभक्ति वगैरह पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम विभक्ति लिखेंगे, कौन सी विभक्ति है। तो यहाँ पर हम द्वि शब्द की विभक्ति और लिंग वगैरह लिख लेंगे, चूँकि विभक्ति हमारी प्रथमा पूछी है, तो प्रथमा और द्वितीय दो तक हम विभक्तियाँ देख लेंगे। उसके बाद हमारा दिया है द्वि शब्द पुल्लिंग में क्या होगा, स्त्रीलिंग में क्या होगा और नपुंसक लिंग में क्या होगा। लिंग आपके 3 होते हैं संस्कृत में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ठीक है। तो प्रथमा में हमारा क्या है, द्वि का 2 लिखेंगे, द्वय, और नपुंसक में भी आपका द्वय ही होगा। और आपका द्वितीय विभक्ति में फिर से 2 हो जाएगा, फिर द्वय और उसके बाद द्वय। तो
तो इस तरह से पूछा था कि द्वि शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति, तो ये प्रथमा विभक्ति है, और स्त्रीलिंग की बात करें तो स्त्रीलिंग ये सेक्शन आ जाएगा द्वय। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम आंसर फाइंड करेंगे, तो 27 का करेक्ट आंसर जो है वह 1 हो जाएगा, द्वय। तो इस तरह से अगर आपको विभक्ति वगैरह याद रहेगी तो आप आसानी से इन चीज़ों को हल कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 28। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। 28 पूछा है ददति रूप है, किसका रूप है वो आपको बताना है। तो 28 का हमने आपको बताया था, आपको लकार वगैरह पढ़ने पड़ेंगे। हम यहाँ पर 28 के आंसर की बात करेंगे क्योंकि इसे लिखने में टाइम लग रहा है। तो ददति रूप किसका है, करेक्ट आंसर यहाँ पर 3 हो जाएगा, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। लट लकार की बात करें तो यह वर्तमान काल से संबंधित होता है, पुरुष की बात करें तो यह प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम, तो यह प्रथम पुरुष से संबंधित है। वचन कितने होते हैं यानी नंबर्स, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इस तरह से यह लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन से संबंधित है, करेक्ट आंसर यहाँ पर 28 का 3 हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। 29 पूछा है गुरुपदेशा शब्द में प्रयुक्त संधि है। तो मैंने कहा था जैसे ही आपको संधि पूछे किसी भी शब्द की तो उसका आप संधि विच्छेद करें, तो गुरुपदेशा का संधि विच्छेद करेंगे तो गुरु धन उपदेशा ये आपका हो जाएगा मिलकर के क्या, गुरुपदेशा। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें संधि पूछी कि कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है, तो इसमें दीर्घ संधि जो है वह प्रयुक्त हुई है। तो दीर्घ संधि का नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि ह्रस्व या दीर्घ छोटा आ छोटी ई छोटा ऊ और री के परे, ह्रस्व या दीर्घ छोटा आ छोटी ई छोटा ऊ और री हो तो दोनों के स्थान पर क्रमशः क्या हो जाएगा, बड़ा आ बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ और री। ठीक है, के स्थान पे बड़ा आ प्रयुक्त हो जाता है। तो इस तरह से इतनी सारी बातें हो गई दीर्घ संधि के बारे में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 पूछ रहा है कि उपसर्ग है, आपके जो भी शब्द दिए हैं इनमें आपको उपसर्ग बताना है कि कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पर उपसर्ग की बात करें तो शब्द के पूर्व भाग में लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं, यानी वे शब्द जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ करके शब्द के अर्थ में नवीन परिवर्तन करते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। इसमें आपको उपसर्ग बताना है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 30 का ए हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा, परा। परा उपसर्ग है, परा से कई सारे शब्द बनेंगे जैसे पराक्रम हो गया, परायण हो गया, पराभाव हो गया, पराजित हो गया, आदि शब्द ऐसे बनेंगे परा से, तो यह उपसर्ग कहलाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और यहाँ पर आपका जो जनवरी 2020 का पेपर था वो कंप्लीट हो गया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के अगले क्वेश्चन पेपर को लाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।